हैप्पी जन्माष्टमी, आप सबको जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। हमें प्रसाद मिल चुका है। नमस्ते दोस्तों, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू जो नए लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक एक सब्सक्राइबर की बहुत वैल्यू होती है। और अब प्लीज आप मेरी वीडियोस को शेयर भी उसी तरह से आपको इस वीडियो में साथ में जन्माष्टमी व्रत का खाना जो मैंने बनाया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फलाहार के लिए मैं नमकीन चीज बना रही हूँ, तो उसके लिए मैं उबले हुए आलू जो मैंने छीले उनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। इसमें थोड़ी काली मिर्च डाल दी, मैं कूटू का आटा मिक्स कर रही हूँ, वो मिलाते हैं अभी। इसको आटे की तरह से गूंथते हैं। इसको एक सार करने के लिए थोड़ा सा पानी लगाना हो तो लगाएं, अगर आलू ऑलरेडी काफ़ी हैं या और डालने हैं तो और डाल सकते हैं। ये आटा गूंथ के तैयार हो गया, इसको ज़रा सी देर हम साइड रख देते हैं। और अब हम गैस पे बनाते हैं फलाहार में खाने वाली सब्जी, जिसको कि वैसे भी खा सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इसकी रेसिपी जानते भी हों, तो बताएं कमेंट करके। तो इसमें जा रहा है थोड़ा सा देसी घी। देसी घी गर्म हुआ तो हल्की सी मेथी, अजवाइन, लाल मिर्च। सबके यहाँ पर अलग अलग रेसिपी होती है खाना बनाने की, चाहे वो व्रत का हो चाहे सादा हो। तो प्लीज़ अपने अपने तरीके आप आजमाएं, लेकिन जो मैं शेयर कर रही हूँ ये मेरा तरीका है, तो प्लीज़ आप देखिए। अब इसमें आलू को हम हाथ से ही ऐसे कर देंगे, अच्छे गले हुए आलू हैं। स्वाद के अनुसार नमक, धनिया। अब एक बार इसको मसालों के साथ चला देंगे ताकि थोड़ा सा जो धनिया हमने डाला है वो हल्का सा भुन जाए। ये जो नीचे लग रहे हैं हल्का सा पानी डाल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा घी डालेंगे तो वैसे ही व्रत में एक बार खाना है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी, गरिष्ठ भोजन जिसे कहते हैं, वो हो जाएगा। गैस को बंद करते हैं। गैस ऑन करके इसके ऊपर तवा रख दिया गया है, और तवे के नीचे जो काउंटर है इसको थोड़ा साफ करते हैं। यहाँ थोड़ा सा मैं सूखा कूटू का आटा ले रही हूँ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो। इस तरीके से आटा इस आलू मिक्स वाले में लगा के, और इसकी छोटी सी रोटी बेल रही हूँ जितनी मैं बेल पाऊँगी। तो ये यहाँ पर गैस मैं फिर से फुल कर देती हूँ, और अब इनको पलटा मारती हूँ, क्योंकि आलू तो उबले हुए हैं उनको कोई खास टाइम नहीं लगना है, और ये आटा भी बहुत जल्दी पक जाता है। अब इसमें हल्का सा घी छोड़ देते हैं, और अभी मुझे मंदिर भी सजाना है और भी बहुत सारी तैयारी करनी है रात के लिए। तो व्रत में जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते वो इस तरीके से थोड़ा सा फलाहार बना के खा सकते हैं। व्रत की रेसिपीज हम किसी और व्रत में भी खा सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आज जन्माष्टमी वाले दिन ही खाया जाए, और इसको हम चाहें तो व्रत के बगैर भी कभी कभी फॉर अ चेंज खा सकते हैं। घर में एक झूला ऑलरेडी लगा हुआ है सचमुच का, तो मैं उसी के ऊपर मंदिर स्थापित करूंगी जिसमें भगवान जी को बिठाऊंगी और उसको थोड़ा डेकोरेट करूंगी। मैं दिखाती हूँ आपको वो झूला कौन सा है। आपने अगर मेरे होम रेनोवेशन की वीडियोज देखी होंगी तो देखा होगा कि वो झूला मैंने किस जुगाड़ से बनाया था। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वो जगह कि अभी उसका क्या हाल है। ये है वो जगह, अभी इसको मैं पूरा चेंज कर दूंगी और यहाँ पर बनेगा भगवान का आसन। जिस रात मेरा जन्म हुआ था वो रात उस साल जन्माष्टमी की रात थी, तो कहने को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मेरा जन्म जन्माष्टमी वाले दिन हुआ है। आज मैं आपको इस वीडियो में जन्माष्टमी की क्या पकवान बनाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गैस ऑन कर दी मैंने, अब इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़े से काजू, ये काजू हो गए। अब इसमें बादाम भून देते हैं, थोड़े से मखाने। मखानों ने आप देख रहे हो सारा जो घी था उसको पी लिया है। अब इसमें ये चार मगज जो मिक्स हैं ये डालते हैं, थोड़े से इसके साथ थोड़ी सी खसखस। इसको इसी में छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए।
मखाने को पीसते हैं तब तक। ये देखो जी कितने अच्छे पीस गए। इसको वापस निकाल के इसी में मैं ये काजू बादाम पीस लूंगी। ये पीस गए, इसको मिक्स भी कर सकते हैं। ये बीज में बहुत हल्के से दरदरे करूंगी, इसको भी मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। जो कढ़ाई यूज की है उसी के लिए मैं दोबारा गैस जला रही हूँ। ये सारा मिक्सचर इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ इसमें, पिसा हुआ गुड़। एक दो मिनट हम इसको गैस पे पकाएंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, गैस को बंद कर देंगे। अब मैंने एक प्लेट में थोड़ा देसी घी फैला दिया। इस मिश्रण को अब मैं इस प्लेट में सेट कर दूंगी। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। अब मैं जो बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैंने थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कूटू का आटा, हल्का सा भुनते ही थोड़ा सा इसमें खोआ डालेंगे, जरूरत लगे तो थोड़ा सा ईंटा। इसमें जाएगा नारियल का बुरादा। जो हम व्रत में मीठे लड्डू खाते हैं, बाजार में बने हुए मिलते हैं, ये वो चीज है। थोड़ा सा पिसा हुआ गुड़, थोड़ा सा दूध और गैस बंद। अब किसी भी बर्तन में जिसमें हमें बनाना हो या जितना हमने बनाया है उसके बराबर बर्तन लेके उसमें घी लगा देंगे। इसको डाल देंगे, सेट करेंगे इस तरीके से करेंगे और ये अपने आप सेट हो जाएगा। ये जो मैंने पाक बना के आपको दिखाया है ये सिंबॉलिक होता है कि आज कृष्ण जन्म हुआ है तो उनकी माँ को ऐसा आहार चाहिए जिससे उनको इंस्टेंट एनर्जी मिले, ताकत मिले और वो चुस्त दुरुस्त हो जाए। तो ये वाला पाक हम वैसे भी बना के घर में रख सकते हैं, सर्दियों में खा सकते हैं, या प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को ये दिया जाता है अलग अलग तरह से बना के। तो मुझे उम्मीद है आज आपको जो मैंने रेसिपी बनाई है अच्छी लगी होगी। आप प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखिए कि मैं आगे आपके साथ क्या शेयर कर रही। रात हो गई है और मैं इनको प्रसाद के लिए तैयार कर रही हूँ। बाहर से बहुत अच्छी भजन की आवाजें आ रही है, तो जिस मर्जी शेप में काट सकते हैं। वैसे तो मैं बर्फी की ही शेप में काट लेती हूँ। पीस निकल रहा है, यहीं से निकाल लेते हैं इसको। अब इसको काटते हैं। इसके स्क्वायर पीस काट लेते हैं। ये निकल गया जी इसका पीस। अगर इसमें गुड़ नहीं डाला होता तो इनका कलर व्हाइट होना था। मैंने गुड़ डाल दिया है तो इनका कलर थोड़ा ब्लैक पे आ गया है। वो अपनी मर्जी है कि गुड़ डालना है या चीनी डालनी है। तो ये मैं प्रसाद के लिए ले जाती हूँ और फिर करती हूँ पूजा और आपके साथ शेयर करती हूँ। ये लो जी, और करना पड़ेगा ना टाइट। ठीक है वैसे, हो जाता इतना लंबा। देख तो ठीक है। चलो अब वहां पे विराजमान कर दो, माला वाला ठीक कर देना बाद में। थोड़ी सी माला ठीक कर। अब मैं ये फूल माला चढ़ा दे पहले, ये लोग को फुट कर रहा हूँ।
थर्ड फिंगर से लेके तुलसी, ये प्रसाद है ना भगवान के लिए बनाया स्पेशल, वैसे आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला, गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की, कमल में कुंडल झलकाला नंद के आनंद नंद लाला, गिरधर कृष्ण मुरारी की, गगन सम अंग कांति काली राधिका चमक रही आई, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, लखन में ठाड़े बन माली भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी राधे राधे। मैंने आपके साथ अपने जन्माष्टमी का त्योहार किस तरह से मनाया मैंने वो शेयर किया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनको थैंक यू वेरी मच, जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए। फिर मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, और जन्माष्टमी बहुत बहुत बधाई।